ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू विंग्स फोटो एडिटिंग। सो गाइस जैसे कि विजय मेहर ने भी कुछ टाइम पहले अपने Instagram पर अपलोड किया था, तो गाइस आप लोगों का जो है उस कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मेरे को मेंशन किया था कि भाई हमें इसका ट्यूटोरियल चाहिए। सो गाइस आप लोगों के डिमांड पर और मैं वीडियो ना लाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। एंड अगर जिस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसलिए वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपको मेरे से मतलब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पसंद आता है तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप उसका ट्यूटोरियल के लिए डिमांड कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए आज की नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपसे वो करना है गाइस आप लोगों को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को पहले अपने मॉडल को। एंड गाइस यहां पे मॉडल को ऐड करना है, एंड उसके बाद गाइस आपको यहां पे ऐड करना है आपको यहां पे विंग्स का पीएनजी, ठीक है। तो हम उसको भी ले लेते हैं यहां पे। एंड इसको यहां पे पहले क्या करना है आपको, उसको पहले सिंपली फुल स्क्रीन करना है, एंड इसके हिसाब से जो आपको अपने मॉडल का जो हाइट है वो रखना है, ठीक है। तो हमें इसको फुल स्क्रीन करके फिर हम मॉडल को लेंगे, एंड मॉडल का जो है कुछ हम स्टाइल में रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है गाइस यहाँ पे अभी आपको जो है इसको यहाँ पे डन नहीं करना है, आपको उसका एक डुप्लीकेट बनाना है। तो इसको हम पहले यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, एंड इसको आपको सेम साइज में रखना है वैसे के वैसे ही। एंड उसके बाद आपको इसको लेके जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको जाना है इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन में, एंड आपको जो इसका अमाउंट एकदम जीरो कर देना है। एंड उसके बाद आपको इसको ऊपर से मर्ज करके एंड इसको फोटो को डन कर देना है। एंड इसको डन कर देने के बाद आपको जो है इसको पहले यहाँ पे रोटेट करना है। सो रोटेट आपको जो फ्लिप रोटेट वाला ऑप्शन है आपको उस पर इसका भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने हैंड से पकड़ के आप भी इसको घुमा सकते हो। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, एंड इसको जो आज जो है आपको अपने जो है मतलब कि आप उसको पैरों के पास टच करके रखना है। एंड उसके बाद जो इसका मूव डाउन कर देना है, एंड इतना कर देने के बाद आपको ये करना है आपको जो बाकी का वेस्ट पार्ट वाला एरिया है आपको सिंपली इसको इरेज कर लेना कुछ इस टाइप से। तो इसको मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ। एंड अगर जब इरेज कर लोगे तो आपको ये करना है आपको उसकी ओपेसिटी जो कुछ कम कर देनी है कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको ईजिली डन कर देना है। तो उसके बाद अभी हम ऐड फोटो में जाते हैं, एंड इसमें अगर आप और भी शेडोज बनानी है तो पहले आप ये ब्लैक कलर की शीट ले लेना, आपको फुल स्क्रीन कर देना है। एडिटर टूल में जाना आपको इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको जो इसका साइज छोटा करना है, उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस इस टाइप से पैरों को नीचे शेडो बना सकते हो। अगर आपको ये जो मैंने पहले बताया वाला तरीका अगर आपको मतलब हार्ड लगता है तो आप इस तरीके से भी शेडो बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना, बाकी मैं ये दोनों तरीके रख लेता हूँ इसमें फोटो में। तो अभी हम जो बाकी के जो गलती से पेंट हो गया हम उसको इरेज कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको डन कर लेंगे। तो अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी तो हम इसे डन कर लेते हैं। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है गाइस यहाँ पे अब आप सभी को जो है यहाँ से थोड़ा सा इसका जो है एडजस्टमेंट छेड़नी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाएंगे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे ये सैचुरेशन वाला ऑप्शन, तो आपको उसका थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर देना है हल्का सा, क्योंकि वो बॉडी पे जो है थोड़ा ब्लू टोन सा आ रहा है, तो उसका हम डन थोड़ा कम कर लेते हैं एंड कर लेते हैं डन। अब गाइस यहाँ पे जब हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं, एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पे हमने फोटो को ऐड कर लिया है, तो आपको करना है आपको जाना पहले लाइट वाला ऑप्शन में, आपको जो इसका कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको बढ़ा देना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको इंक्रीज इसको इंक्रीज कर लेना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देना है इसे भी, एंड जो वाइट है, वाइट है जो गाइस इसको यहाँ पे आपको थोड़ा कम करना है, जो ब्लैक है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है हल्का सा। एंड इसके बाद जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको इसको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है उसको यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको जो है येलो कलर लेना है, आपको जो येलो में कुछ नहीं करना है, ग्रीन कलर को लेना है इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ब्लू कलर लेना है इसका सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जो डार्क ब्लू है इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है। तो अगर यहाँ पे देखिए हमारी फोटो जो है कितनी मस्त लग रही है अभी से ही, तो अभी बट हमारा पूरा काम हुआ नहीं है कलर क्रिएशन का, तो अभी हमें क्या करना है, अभी आप सभी को जाना है यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में नहीं, आप पहले से सिलेक्टिव टूल में जाके जो हमें काम करना है इसको पहले वो कर लेते हैं। तो आपको सर्कल वाला ऑप्शन लेना है, एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे फेस के ऊपर कुछ स्टेप से रखना है, ठीक है, क्योंकि फेस जो थोड़ा ब्राइट नहीं लग रहा है तो उसको हम क्या कर लेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे, एंड इसके बाद कर देंगे हमें पे डन। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको दोबारा लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, ऊपर से गाइस आपको कर्व टूल में जाना है, कर्व टूल में जाने के बाद आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है, इसका थोड़ा सा ऊपर से जो एक पॉइंट है उसको थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करना है, एंड जो सबसे लास्ट में पॉइंट है जो आपको ऊपर की तरफ ले जाना है ताकि जो है इसमें एक सिनेमेटिक टोन आ जाए। एंड इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है,
एक इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको जाना है कलर के नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। एंड फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करने के बाद जो विग्नेट दिख रहा है गाइस आपको नीचे, आपको सिंपली अगर उसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो, बट आप उसको इग्नोर करना भी इसमें क्योंकि इस फोटो में ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आप इसको हल्का फुल्का इंक्रीज करना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको राउंडनेस भी बढ़ा देना है, जाना नीचे वाले टूल में, आपके यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नॉइज रिडक्शन आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करते हैं और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।